ये वही संबल पुलिस है जो मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकाल बदमाशों से मुठभेड़ कर सुर्खियों में आती है, लेकिन अब एक बार अपने कारनामों के चलते चर्चा में आई है। चर्चा भी ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह चलता है रिश्वतखोरी का गोरख धंधा और कैसे रखे जाते हैं ताक पर नियम कायदे कानून। यह स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरें यूपी के संबल की है और तस्वीरों में दिख रहा युवक उत्तर प्रदेश का पुलिस कर्मी है। पहली तस्वीर शराब के नशे में मदहोश दिख रहा सिपाही दीनदयाल है जो संबल के गिन्नौर थाने में तैनात है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिसे ना वर्दी की इज्जत है और ना सरकारी हथियार का ख्याल। साहब तो अपने फर्ज को भूलकर दिन में ही नशे में चूर बैठे नजर आ रहे हैं। अब जरा इन जनाब से कोई यह पूछे कि अगर नशे का फायदा उठाकर कोई इनके सरकारी हथियार से किसी क्राइम को अंजाम दे दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। माना गलतियां होती है, पर यह गलती नहीं जानबूझकर किया गया कानून का अपमान है जो अपनी वर्दी इज्जत छोड़ उस पर गुमान कर जनता की सुरक्षा को ताक पर रख रहा है। वही दूसरी तस्वीर संबल के जुनावई से रिश्वतखोर पुलिस चौकी प्रभारी अनोखे लाल गंगवार की है, जिन्होंने अपने नाम की तरह कोई अनोखा काम तो नहीं किया, बस थोड़ा करप्शन को बढ़ावा देते हुए 25,000 रुपए की रिश्वत ले ली। मगर एंटी करप्शन की टीम को इस बात की भनक लगने पर साहब के सारे के किराए पर पानी फिर गया और चौकी प्रभारी साहब का भांडा फूट गया। इस मामले से पहले भी संबल जिले में बीते महीनों एंटी करप्शन की टीम ने एक इंस्पेक्टर एक दरोगा को रिश्वत लेते पकड़ा था।